हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी ऑरा। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए मार्केट जैसा बन घर पर बनाने वाले हैं। बहुत ही आसानी से बनेगा, कोई भी स्पेशल सांचे का यूज़ नहीं करेंगे। एक सिंपल सी ट्रिक है, उसे यूज़ करके इस तरह का बन बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये बन बना है और इसे हम आपको काट करके भी दिखाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिएगा, तभी आप इस तरह का बन घर पर बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे, साथ में अवन में बेक करेंगे। तो जो भी आपके पास है उसमें आप इस बन को बना सकते हैं। तो ये देखिए, बन बहुत ही बढ़िया बना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैदा लिया है, ये 2 कप है और ग्राम में ये लगभग 240 ग्राम है। इसके अलावा 2 बड़े चम्मच हम मैदा और यूज़ करेंगे। साथ में मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया है, ये 1.5 चम्मच है, यानी 1.5 टीस्पून है। ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 3 बड़े चम्मच हमें चीनी चाहिए, यानी 3 टेबल स्पून चीनी हम यूज़ करने वाले हैं। साथ में नमक लेंगे, तो नमक यहाँ मैंने 1/2 चम्मच लिया है, यानी 1/2 टीस्पून लिया है। अब हमें चाहिए मिल्क पाउडर, तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, यानी 3 टेबल स्पून लिया है। ये वैसे बहुत ही ज़रूरी है, पर अगर आपके पास नहीं है तो ना यूज़ करें। अब मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। आप इसके जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी चाहिए, यानी हल्का गर्म पानी चाहिए, तो इसे यूज़ करेंगे डो बनाने के लिए। सबसे पहले हमें गैस पर एक पैन रखना है और इसमें हम 1/2 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच मैदा। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए, इसका पेस्ट ना बन जाए। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो इसे लगातार चलाना है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है। और 2 से 3 मिनट में कुछ इस तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा। हल्का सा जेली जैसा लगता है ये। तो यहाँ जो मैदे का पेस्ट है ये बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमें डो बनाना है, तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 3 बड़े चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं, 1.5 चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाल रहे हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें हम 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, 1/2 चम्मच नमक और एक बार फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। अब जो मैदे का पेस्ट तैयार किया है इसे डाल देंगे, तो इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करिएगा, तुरंत बनाइएगा और तुरंत इसे यूज़ करिएगा। तो इसे मैंने डाल दिया है। अब हमें डो बनाना है, तो सबसे पहले इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट, कह सकते हैं कि हल्का सा गीला डो तैयार हमें करना है। तो पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, अच्छे से मिलाते हुए इसका एक डो बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया है और डो बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं, पर डो हमें टाइट नहीं चाहिए। तो यहाँ कुछ इस तरह का डो बनकर तैयार हुआ है, हल्का सा गीला डो है। तो अब हम सरफेस पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं और डो को रख देते हैं इसके ऊपर। तो इस समय सरफेस बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अब हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से डो को बिल्कुल चिकना करना है। लगभग 10 से 12 मिनट हम स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से डो को बिल्कुल चिकना करेंगे। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है बन या ब्रेड बनाने के लिए, तभी बन या ब्रेड बहुत ही अच्छी बनती है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर आराम से आप इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से चिकना करें और बीच बीच में आप ऑयल या बटर यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कहीं भी नहीं करिएगा, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाइएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें, तभी आपका जो बन है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो लगभग 12 मिनट हो गया है। अब हम डो को कुछ इस तरह पटक रहे हैं, तो लगभग इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पटक लेते हैं। इससे जो डो है बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा और ये जो बन का डो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब हम डो का एक बॉल बना लेंगे, बिल्कुल चिकना बॉल बनाना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो डो है बिल्कुल चिकना हो गया है। तो बस अब इसे हमें रखना है जब तक डो साइज़ में बिल्कुल डबल ना हो जाए। तो इसे हम अच्छे से सील कर लिए हैं पीछे से और एकदम चिकनी बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम डाल दिए हैं इसे एक बाउल में। बाउल में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला, डो डाला और उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल को लगा देते हैं। और इसके बाद इसे हमें ढक कर रखना है। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा ये डो डबल होने में।
ठंडी के दिन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए डो बहुत ही बढ़िया बना है, बिल्कुल सॉफ्ट है और इसी तरह का आपका भी डो होना चाहिए। तो इसे ढक देते हैं। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और यहाँ जो डो है ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो गया है। तो सबसे पहले इस डो में एयर है उसे हम निकालेंगे, तो इसमें हम पंच मारते हैं और जितनी भी एयर है इसे हम निकाल देते हैं। इसके बाद इस डो को हमें एक बार फिर से चिकना करना है, यानी जितनी भी एयर है उसे हमें निकालना है और इस डो को जैसे नॉर्मल पहले डो था उस तरह करना है। तो एक बार फिर से इसे सरफेस पे रखते हैं और लगभग 1 से 2 मिनट इसे गूंथते हुए चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ जो डो में एयर थी वो निकल गई है और इसका एक बार फिर से मैंने बॉल बना लिया है, बिल्कुल चिकनी बॉल बनाई है, क्योंकि अब इसे हमें इक्वल पार्ट में बांटना है, क्योंकि हमें बन की बॉल बनानी है छोटी छोटी। तो इसे हम 6 भागों में बांट लेते हैं। आपके पास वेटिंग मशीन है तो आप सभी बॉल को एक साइज़ में यानी एक वेट में नाप कर काट सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि बना सकते हैं। तो बस अब हम छोटी छोटी बॉल बना लेते हैं, जैसे हमने बड़े डो को तैयार किया था वैसे इसको भी तैयार करना है, यानी छोटी बॉल को तैयार करना है। अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसे सील कर देना है, जिससे ये ऊपर से बिल्कुल चिकनी बॉल बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह हम सभी बन के बॉल को बना लेते हैं। मार्केट जैसी बन बनाने के लिए मार्केट में सांचे आते हैं, जिसे यूज़ करके हम बिल्कुल मार्केट जैसी बन बना सकते हैं, पर आज हम कोई भी सांचे का यूज़ नहीं करने वाले हैं। एक नॉर्मल सी ट्रिक है उसे अपनाएंगे और इस बन को बनाएंगे। तो वो ट्रिक है ये कटोरी। आज हम कटोरी में बन को बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने कटोरी ली है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर या ब्राउन पेपर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ हम एक एक बॉल एक एक कटोरी में डाल देते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है इस समय कि कटोरी के साइज़ के हिसाब से आपको बॉल बनानी है। ये ध्यान रखिए कि जितनी बड़ी कटोरी है उससे आधे से कम बॉल होना चाहिए, यानी आधा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने कटोरी ली है ये थोड़ी छोटी है और मैंने बॉल भी छोटे ही बनाए हैं। तो यहाँ 6 बन तैयार हैं, यानी 6 बॉल्स तैयार हैं। अब इसे हम ढक कर रखेंगे लगभग आधे घंटे के लिए, या तब तक जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। तो अब हम सबसे पहले कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, एक स्टैंड रखा है, इसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं और ढक कर मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 10 मिनट गर्म कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ मैंने माइक्रोवेव लिया है, इसे हम कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर प्री हीट करेंगे। इसी तरह आप अवन या ओटीजी को 180 डिग्री पर प्री हीट कर सकते हैं। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है और यहाँ जो बॉल्स हैं ये साइज़ में डबल हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर हमें सबसे पहले मिल्क वॉश करना है, यानी दूध लगाना है, जिससे बन का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग वाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क वॉश करने के बाद इसके ऊपर आपको सफ़ेद तिल डालना है, यानी सेसमे सीड डालना है। इससे बन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और एक बार फिर से बहुत ही हल्के हाथ से मिल्क वॉश कर देना है, जिससे जो ये सफ़ेद तिल है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में हम रख रहे हैं 4 कटोरी, यानी जिसमें ये बन है बॉल्स हैं, और जो 2 कटोरी है उसे हम अवन में रखेंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर बेक करना है, लगभग 20 से 25 मिनट लगेगा। तो इसे ढक देते हैं। माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर प्री हीट हो चुका है। लो रैक पर हम 2 कटोरी डाल रहे हैं और 180 डिग्री पर इसे बेक करना है। लगभग 15 से 16 मिनट में ये बेक हो जाएगा। तो बस इसे 15 मिनट पे सेट कर दिया है मैंने। बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन रख सकते हैं। तो माइक्रोवेव मोड पर नहीं रख सकते हैं, माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर आप स्टील के बर्तन रख सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर जो बन बेक किया है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, केवल 15 मिनट लगा है। और कढ़ाई में भी बन बनकर तैयार है। इसमें 25 मिनट लग गया है, पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत ही बढ़िया से फूला है। तो इसे निकाल लेते हैं। अब हमें सबसे पहले इसके ऊपर बटर या रिफाइंड ऑयल लगाना है और इसके बाद इसे हमें ढक कर रखना होगा लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये काम आपको तभी करना है जब बन तुरंत गर्म रहता है, जैसे ही आपने निकाला पहले आपको बटर लगाना है और उसके बाद इसे ढक कर रख देना है। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हम बन को कटोरी से निकालेंगे। तो बस आपको कटोरी लेना है। तो अभी कटोरी गर्म है, यानी हल्का सा गर्म है ये। तो
चाकू की हेल्प से साइड क्लीन कर लेते हैं और बहुत ही आराम से करिएगा, जिससे बन बहुत ही अच्छे से निकलेगा, कहीं से भी टूटेगा नहीं। और उसके बाद पीछे से इस तरह ठोकिएगा तो बन बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा बन आप घर पर बना लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन लगता है। आप चाहें तो इसे तुरंत गर्म इसी तरह खा सकते हैं, पर इसे आप 2 से 3 घंटा ठंडा करें और उसके बाद इसे आप जैसे आलू टिक्की के साथ या पाव भाजी के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल घर का बना हुआ ये बन है। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम ढक देते हैं और 2 घंटे बाद इसे हम आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 2 घंटे हो चुके हैं, बन बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।